ध्रुव का तप, दधीची का त्याग, काशी सोमनाथ तमिल के मंदिर, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्र, हिमालय के शिखर, सिंधु के नगर, आर्यभट्ट का गणित, बौद्ध का दर्शन, भास्कर का खगोल और श्रीराम सेतु की तकनीक। ये भारत कल जगत गुरु था, सारी दुनिया पूज रही थी, भारत के गौरव की गाथा भूमंडल में गूंज रही थी। अधिष्ठात्री माँ शारदे, माँ भारती, श्रद्धेय निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्र निर्माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मान्यवर, किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा उसके जनमानस की देश के प्रति भक्ति, अनुराग और उसके संकल्प से प्रभावित होती है, और इसी राष्ट्रभक्ति और अपनत्व की उत्कट भावना के जागरण हेतु विकसित भारत से पूर्व मेरा भारत शब्द जोड़ा। चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ध्रुव का तप, दधीची का त्याग, काशी सोमनाथ तमिल के मंदिर, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्र, हिमालय के शिखर, सिंधु के नगर, आर्यभट्ट का गणित, बौद्ध का दर्शन, भास्कर का खगोल और श्रीराम सेतु की तकनीक। ये थी हमारी समृद्धि की, भव्य भारत की, वो वैभव की भव्य तस्वीर। सोने की चिड़िया कहलाने वाले ऐसे भारतवर्ष का वैभव विदेशी हमलों से त्रोहित हुआ। लेकिन आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अपने प्राचीन वैभव को पुनः याद कर रहा है और विश्व के कल्याण के लिए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में उदित होने के लिए संकल्पित हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि विकसित भारत बनाए कैसे? तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रणों और नौ आग्रह को अपनाना होगा। जब सामूहिक जनशक्ति खुद को पहचानकर भारतीय संस्कृति और विरासत पर गौरव के साथ गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर मतभेद भूलकर एक सूत्र में संवेद स्वर में विकसित भारत बनाने की प्रतिज्ञा ले, नागरिक अनुशासन एवं शिष्टाचार की पालना हेतु कटिबद्ध हो, तो एक नया भारत उदित होगा। मान्यवर, जिस दिन 140 करोड़ का यह भारतवर्ष मालदीव या दुबई जाने से पूर्व लक्षद्वीप या बांसवाड़ा जाएगा, किसी मित्र को सोजत की मेहंदी, जयपुर की ब्लू पोटरी, बुसावर का अचार भेंट करेगा, जिस दिन हम उत्पाद किसी स्वयं सहायता समूह से खरीदेंगे, जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और संयमित उपयोग के लिए जागरूक होंगे, श्री अन्न को अपनाएंगे और योग, खेल, व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाएंगे, और जिस दिन हम में से कोई युवा अपनी कमाई से या यहाँ खड़ा होकर अपनी पुरस्कार राशि से कुछ हिस्सा किसी जरूरतमंद परिवार को भेंट कर उसके संबल बनने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेगा, आप तय मानिए उस दिन भारत नए प्रतिमान गढ़कर विश्व की चेतनाकार प्रेरणा का पुंज होगा। आप देखिए, अमृतकाल की यह अमृत पीढ़ी जब अर्थव्यवस्था की ओर रुख करती है तो विश्व की सबसे समृद्ध पांचवीं अर्थव्यवस्था बन जाती है। यह अमृत पीढ़ी जब अंतरिक्ष और विज्ञान के क्षेत्र में प्रयास करती है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और सूर्य की कक्षा को चूमकर दुनिया को हतप्रभ कर देती है। यह अमृत पीढ़ी वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ G20 की सफलतम अध्यक्षता कर दुनिया को एक नई राह प्रदान करती है, और यही पीढ़ी है, यही नया भारत है जिसकी कूटनीति के प्रभाव से आपने देखा 12 फरवरी को कतर हमारे 8 पूर्व नौसैन्य अधिकारियों को सम्मान के साथ भारत वापस भेजता है। ये उपलब्धियां कोई संयोग नहीं, अभी तो संकेत है, शंखनाद है, आह्वान है, आहट है विकसित भारत की। आप कल्पना कीजिए आजादी के शताब्दी वर्ष की कैसा होगा जब भारत धार्मिक, राजनीतिक और जातिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर पारस्परिक सौहार्द, समरसता और सद्भाव के साथ एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, बोलियों, भाषाओं और प्रतीकों का सम्मान करेगा, मातृवत पर दारे सुखा भाव रखकर महिलाओं को सुरक्षित रखेगा। कैसा होगा जब हम कलाम और विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों और जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सात्विक चरित्र का निर्माण करेंगे, रोज शाम को परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करेंगे, समाज में कहीं माह में एक बार मिलजुल कर किसी स्थल की साफ सफाई करेंगे, कहीं गीत भजन प्रतियोगिताएं करेंगे, सामूहिक चर्चाएं करेंगे, प्रेरक संस्मरणों का स्मरण करेंगे,
कैसा होगा जब यहाँ का युवा इंद्रधनुषी स्वप्नों से प्रेरित होकर अपनी आंतरिक क्षमताओं को उद्घाटित कर अपने कौशल और नवाचारों के विकास से रोजगार के सृजन की, आपदा को अवसर में बदलने की सामर्थ्य पैदा करेगा। कैसा होगा जब हम विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था बनेंगे और चहुं ओर हरियाली, मुस्कुराते चेहरे, उत्साह, उमंग और कोना कोना सुंदर और स्वच्छ होगा। कैसा होगा जब भारत का किसान अन्न के साथ ऊर्जा भी देगा, हम आधुनिक तकनीक से दक्ष और संपन्न होंगे और अटक से कटक और गिलगिट से गारू पर्वत तक अखंड भारत का सभ्य और संस्कार युक्त जनजन न केवल राष्ट्र अपितु विश्व मंगल की कामना से संपूरित होगा। कैसा होगा आप कल्पना कीजिए। मान्यवर, अभिव्यक्ति के अंतिम सोपान पर आते हुए मेरे यही विश्वास है, यही विचार है कि सरदार पटेल का यह नव चैतन्य राष्ट्र जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना अपने देश, वेश, भाषा और भूषा पर गौरव के साथ पूर्ण कर्तव्य निष्ठा, उत्साह, रचनात्मकता के साथ समर्पित भाव से अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, पुरुषार्थ करेगा, अपने दायित्व को पहचानेगा, खुद को पहचानेगा और हम पुनः इस विश्व को मार्गदर्शित करेंगे, विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे और हमारा भारत वर्ष 2047 तक एक नव्य, भव्य, सशक्त, समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में उदित होगा। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ, इन मंगल कामनाओं के साथ कि सुरलोक में भी देवगण जिसकी उतारें आरती, सुरलोक में भी देवगण जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, है भद्रभाव उद्भावनी यह भारती, है भगवते सीतापते सीतापते, गीता मते गीता मते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।